वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पैक्स गेमिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आपके TS10 को फटाफट से यूं चुटकी बजा के मैक्स कर दें। बस 2-3 महीने में TS10 हो जाएगा फुल्ली मैक्स। तो वीडियो के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फिर नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा दें और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो फिर आप लाइक कर दें और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वैसे भी यार 58.3% लोग बिना सब्सक्राइब के देखते हैं यूट्यूब के वीडियोस, तो आप अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम कैसे बढ़ पाएंगे, इसलिए बस यार सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं हम वीडियो के अंदर बिना किसी देरी के। आपको ये काम करना है कि आपको एक प्रोग्रेस बेस बनाना है, फिर उसको 3 लेयर्स में बांटना है। जैसे कि पहले मैंने बांट के रखा है, पहले टाउन हॉल, डिफेंसेस, ट्रैप्स, देन लैब वो सब और बिल्डर हट्स। देन सेकेंड लेयर में सभी मेन चीज़ें जैसे कि आर्मी कैंप्स, बैरिक्स, डार्क बैरिक्स और ये स्पेल फैक्ट्री, स्टोरेजेस, हीरोज, और थर्ड में सिर्फ कलेक्टर्स। तो पहले आपको क्या करना है कि ये जो आर्मी कैंप्स दिख रहे हैं ना, ये आर्मी कैंप्स को आपको पहले अपग्रेड करना है, क्योंकि ये आर्मी कैंप्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी टाउन हॉल में, किसी भी टाउन हॉल लेवल में ये आर्मी कैंप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर आपको इन्हें अपडेट करना है ताकि आपका जो आर्मी का कैपेसिटी है वो बढ़ जाए और आप ज़्यादा आर्मी लेके एक स्ट्रेटेजी बना के आप जीत सकें। और फिर आपको बैरिक्स अपग्रेड करना है, क्योंकि अगर आप बैरिक्स अपग्रेड करेंगे तो फिर आपके जो न्यू ट्रूप्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे और आपके जो ट्रेनिंग टाइम होता है वो भी कम हो जाएगा, घट जाएगा, ताकि आप फटाफट से आर्मी ट्रेन करके अटैक कर सकें। ये सब करने के बाद आपको स्टोरेजेस अपग्रेड करने हैं, लेकिन यहाँ जो स्टोरेज अपग्रेड नहीं होता है, TS10 में स्टोरेज अपग्रेड नहीं होते, तो फिर आपको बस इतना करना है, पहले आर्मी कैंप्स, फिर बैरिक्स, फिर डार्क बैरिक्स। आप बैरिक्स और डार्क बैरिक्स में चेंज कर सकते हैं, ये अपग्रेड करना है। ये अपग्रेड करने के बाद आप जो हमारे नए नए बिल्डिंग्स आते हैं, जो जैसे कि एक आर्मी डिफेंस में एक आर्चर टावर आएगा, एक कैनन आएगा, एक मोटर आएगा, मोटर नहीं आता, अगर आर्चर टावर, वॉल्स, ये सब जो नए नए आते हैं, इन्फर्नो टावर मेन ये एक नया आता है। फिर आपको जो ये नए नए चीज़ें हैं आपको ये परचेस करना है, फिर ये परचेस करने के बाद यह सब ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मैं इसको अपग्रेड नहीं करूँगा, ये तो बहुत कम लेवल का है, मैं बड़े बड़े चीज़ अपग्रेड कर दूँगा, आर्चर टावर को पहले मैक्स कर दूँगा TS11 से लेवल 13 तक। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले जो आप न्यू बिल्डिंग्स लगाए हैं जैसे कि आर्चर टावर एक लेवल 1 का, कैनन एक लेवल 1 का, तो फिर आपको पहले वो अपग्रेड्स करने, क्योंकि वो अपग्रेड्स करके आपको TS9 के लेवल के मुताबिक लेना है, फिर आप सभी को अपग्रेड करेंगे। और एक बात, अगर आपका लूट इतना नहीं है, अगर आप कुछ दिन के लिए इनएक्टिव रहे कुछ कारण के वजह से और आपका लूट इतना नहीं है, तो फिर आपको बिल्डर को खाली नहीं रखना है, बिल्डर को हमेशा बिजी करके रखें। अगर आपका इतना लूट नहीं तो फिर कुछ ट्रैप बिठा दें, नहीं तो फिर कुछ कलेक्टर बिठा दें। आपको ऐसा नहीं है कि लूट अगर नहीं है तो फिर कुछ ना बिठा के ऐसे ही रहें, बस मुझे डिफेंस बिठाएं तो फिर डिफेंस ही बिठाऊंगा, कुछ नहीं बिठाऊंगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा। अगर आपका बिल्डर भी इतना लूट नहीं तो फिर आपको कुछ भी बिठा के बिल्डर को बिजी करना है। फिर ये डिफेंसेस मैक्स करेंगे, डिफेंसेस मैक्स करने के बाद आप आ जाएंगे कलेक्टर्स पे, फिर आपको कलेक्टर्स अपग्रेड करना होंगे। फिर कलेक्टर्स अपग्रेड करने के बाद आपका TS हो जाएगा मैक्स। और एक बात, मेन बात, सभी को हीरोज बहुत पसंद हैं, हीरोज तो यार सभी को पसंद होंगे, मैं जानता हूँ हीरो सबको पसंद है, और सबको ये अपग्रेड करना भी डिफ़िकल्ट लगता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे लेवल 30 से लेवल 40 फटाफट से करते हैं। मेरे हीरोज 36 के हैं, इधर क्वीन अपग्रेड में हैं, मैं अगर CW नहीं होता तो फिर 40 के कर लेता, CW की वजह से 36 के हैं। तो फिर आपको हीरोज़ कैसे अपग्रेड करना है, मान लीजिए आपके मतलब हीरोज 30 के हैं, ओके 30 के हैं, क्योंकि TS9 30 मैक्स होता है। आपको एक काम करना है, आपको हमेशा लगभग 8 से 9 अटैक्स करने हैं एक दिन में, यस आपको 8 से 9 अटैक्स करने ही होंगे, 8 से 9 अटैक्स करना है। और फिर आपको आपका जो डार्क स्टोरेज है उसको हमेशा फुल रखना है, हाँ उसको हमेशा फुल रखना है, ताकि आप दोनों हीरोज को एक टाइम में बिठा सकें, अगर दोनों हीरोज को आप एक टाइम में बिठा सकें।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए, आप अगर बारबेरियन किंग को बिठाएंगे तो फिर 6 दिन 12 घंटा, अगर वो 5 दिन भी लेता है तो फिर ये 5 दिन, फिर आर्चर क्वीन 5 दिन, तो फिर दोनों हीरोज़ को एक एक लेवल बढ़ाने में आपका 10 दिन चला जाएगा। तो फिर ये या बहुत टाइम लग जाएगा आपका ब्रिटेन में। अगर आप दोनों को एक साथ में बिठाएंगे डार्क स्टोरेज फुल करके, तो फिर आपके 5 दिन में 2 हीरोज़ फ्री हो जाएंगे और आप वॉर में भी अटैक कर सकते हैं। तो फिर आप एक चीज़ से 2 काम कर सकते हैं, एक तो आपका हीरोस जल्दी से मैक्स हो जाएगा और एक आप वॉर्स में फ्रीक्वेंटली अटैक कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी बात। तो फिर इसके लिए आपको दिन में 8 से 9 अटैक्स करने होंगे और आपके जो डार्क स्टोरेज है वो फुल करना होगा। जब आपके हीरो 35 लेवल के हो जाएंगे या 36 लेवल के एज रिक्वायर्ड अगर हो गए, तो फिर तब आप 2 हीरोज को एक साथ नहीं बिठा सकते, क्योंकि हम TS10 में इतना डार्क एलिक्सिर नहीं रख सकते। तो आप तब आप एक एक हीरो बिठाएंगे, ओके, तब आप एक एक हीरो बिठाएंगे। उससे पहले आपको 2-2 हीरो बिठाना होगा। और बात आ गई वॉल्स की, अगर आप आपका एक बिल्डर खाली है और आपको एक ही बिल्डिंग बिठाना है, तो फिर आपका अगर मान लीजिए आपका गोल्ड हो गया है फुल 80 लाख, ओके, तो अब आपको एक आर्चर मतलब कि कैनन बिठाना है 40 लाख का, तो फिर वो 40 लाख तो वैसे ही रहेगा। अगर आप उसमें उसके बीच अगर अटैक्स किए और आपका स्टोरेज फुल हो गया, तो फिर आप कैसे करेंगे? इसलिए आप क्या कीजिए, अगर 40 लाख का ये कैनन बिठाए, तो फिर और 40 लाख से 4 वॉल्स कर लीजिए। ऐसे बीच बीच में अगर आप वॉल्स करते रहेंगे, तो फिर आपका बाकी सभी अपग्रेड्स होते होते आपके वॉल्स भी अपग्रेड हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके सभी अपडेट मतलब सभी फटाफट से मैक्स भी हो जाएंगे। तो फिर ये था आज का वीडियो। और हम वीडियो को रैपअप करने से पहले कुछ अटैक्स कर लेते हैं मल्टीप्लेयर में। तो फिर उसके लिए हम इसे डालेंगे बूस्ट में, इसे डालेंगे बूस्ट में, ये हो गए बूस्ट। अब हम चलते हैं अटैक के लिए। यस, अटैक के लिए आ गए हैं। मैं अभी फटाफट से एक लूट वाला बेस लेके आता हूँ, बहुत अच्छा वाला लूट वाला बेस लेके आता हूँ। तो फिर हम हाजी ने एक अच्छे से लूट वाले बेस के साथ, यार लूट ढूंढते ढूंढते मैं बहुत इरिटेट हो गया, इसलिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो फिर जब से लाइटनिंग लेवल का जो लाइटनिंग का जो कैपेसिटी होता है वो 1 हुआ है, तब से यार लाइटनिंग बहुत यूज़ होता है, बहुत काम का आता है। तो फिर हम पहले ये तीन लाइटनिंग स्पेल से यार पूरा एक कंपार्टमेंट ही नंगा पुंगा हो जाते हैं, तो फिर हम क्यों अटैक नहीं करेंगे फुली। और अभी पार्टी विजर्स भी आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। इधर एक पार्टी विजर्ड, इधर एक पार्टी विजर्ड, और इधर एक हम डालेंगे ड्रैगन ताकि अच्छे से फनल बन जाए। वेट करेंगे फनल अच्छे से यार क्रिएट हो जाए। इधर क्वीन आर्चर क्वीन बहुत तंग कर रही है, और ये आर्चर क्वीन इज डाउन। अब हम वेट करेंगे अच्छे से फनल बन जाए, फिर सारे ड्रैगन्स को बीच में छोड़ देंगे। इधर एक ड्रैगन। जब से लाइटनिंग स्पेल का जो कैपेसिटी है वो 1 हुआ है ना, बहुत लाइटनिंग स्पेल यूज होते हैं, और मस्त स्ट्रैटेजी है ये भी लाइटनिंग स्पेल वाला, ये वॉर्स में भी यूज़ होता है बहुत। तो अब चलते हैं हम हमारे सबके ड्रैगन्स, उसके पीछे आएगा स्टोन स्लैमर, और ये सीधा जाएंगे इधर बीच में कर देंगे रेस्ट। जब इलेक्ट्रो पॉपअप होगा स्टोन स्लैमर के अंदर से, तब हम कर देंगे इधर किंग, पीछे से सभी पार्टी विजर्ड्स, फिर वेट करेंगे इधर यार इन्फर्नो सभी मेरे ड्रैगन्स को खा लेगा, बच गए। इधर स्टोन स्लैमर इधर क्या कर रहा है यार, उधर जाना चाहिए, क्या करें। चलो इधर एबिलिटी दे देते हैं बुढ़े बुढ़े की, वरना ये इधर रिलेट कर ले। इधर एक रेज देंगे, नो रेज मैंने गलत डाल दिया क्या यार, रेज देंगे और इधर अभी कर देंगे ये फ्रीज, इस चीज़ को हम फ्रीज करेंगे। ड्रैगन्स यू कैन यस, ये निकल गया। अभी इधर इलेक्ट्रो पॉपअप हो रहा है क्या यार, इधर आना चाहिए तो स्टोन स्लैमर उधर जा रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे 3-स्टार कर पाएंगे क्या या नहीं, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये 3-स्टार होगा या नहीं। हाँ, और एक बात, आप कमेंट्स करना मत भूलिए, हम आपके कमेंट्स हमेशा देखते हैं। तो फिर आप कमेंट्स कीजिए आपको कैसा वीडियो लगा और आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो फिर ऐसे आप वीडियोस कमेंट्स दीजिए, हम वीडियोस लाएंगे। ये यार 3-स्टार नहीं होगा, ये फेल है, लगता है ये फेल है, लेकिन इलेक्ट्रो का चेंज
लाइटनिंग डैमेज तो है, इसलिए हम कर सकते हैं एक बार में 5-5 बिल्डिंग्स टूट जाते हैं। मैं इस वीडियो के लिए लाइक एम रखता हूँ फिर से 100 का। अगर आप इस वीडियो को फटाफट से 100 लाइक कर दें तो फिर हम हमेशा एक एक वीडियो ऐसे लाते रहेंगे और आपको आपका एम्यूजमेंट भी होगा और आप बहुत कुछ सीख भी सकेंगे। तो फिर 3 स्टार तो नहीं होगा, लेकिन हम सभी लूट निकाल दिए हैं, सब लूट निकाल दिए हैं हम। चलिए एंड बेटर कर देते हैं, बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर हम चलेंगे अभी दूसरे अटैक के लिए। उससे पहले मैं ये आर्मी फिर से ट्रेन में डाल देता हूँ और इधर रिक्वेस्ट भी डाल देता हूँ। मैं अभी अपने और एक अकाउंट से लेके आता हूँ डोनेशंस, थोड़ा वेट कीजिए। सो अगेन हम हाजिर हैं और एक का मस्त चमचमाते लूट के साथ। यार मैं ये लूट देख के ही पागल हो रहा हूँ, इतना लूट देखिए, अबाउट 7,42,000 गोल्ड एंड 8,39,000 मैं क्या बोल रहा हूँ डार्क एलिक्सर एलिक्सर और 2,000 डार्क एलिक्सर। अफसोस कम है। तो फिर हम अटैक करते हैं इधर, यार क्वीन को इधर आने दीजिए दो, फिर इधर लाइटनिंग स्पेस डाल दूंगा। ये डेड बेस भी है साथ, यो डेड बेस भी है। इधर आएगा 3 लाइटनिंग स्पेल्स, इधर अगेन 3 लाइटनिंग स्पेल्स, इधर क्वीन आ ही नहीं रही, सो कोई नहीं, हम डाल देते हैं 3 लाइटनिंग स्पेल्स। अब इधर से फनल करेंगे एक पार्टी विजर्ड, एक पार्टी विजर्ड, देन वेट करेंगे। इधर भी एक डाल देते हैं ड्रैगन, इधर और एक ड्रैगन, फिर वेट करेंगे। यार एक बार तो मुझे लगभग 10 लाख एलिक्सर गोल्ड मिला। आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको मैक्सिमम लूट कितना मिला है, आपको मैक्सिमम लूट कितना मिला है आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं भी तो जान सकूँ कि यार आपको कितना लूट मिला है मैक्सिमम। सो सभी स्टोन स्लेवर में आ चुका है, अभी बस हम कोर में, इधर जो कोर में हम रेस्ट डाल देंगे, ताकि इलेक्ट्रो ड्रैगन, अगर इधर इलेक्ट्रो ड्रैगन पॉपअप हुआ तो, वरना जहाँ पॉपअप होगा वहाँ ही डालेंगे। अरे यार मैं किंग छोड़ना भूल गया, किंग नहीं नहीं किंग आज इधर नहीं छोड़ेंगे, आज किंग को हम, अब हम किंग को इधर से कहाँ जहाँ बच्चा आएगा इधर, हाँ इधर किंग को छोड़ेंगे, पीछे से 2 पार्टी विजर्स, इधर 2 पार्टी विजर्स, हाँ इधर अभी इलेक्ट्रो पॉपअप होने वाला है और ये लो इलेक्ट्रो पॉपअप हो गया। इधर आएगा हमारा फ्री स्पेल, इधर बैकअप देंगे हम 4 विजर्स से किंग को, और ये हो गया हमारा 3 स्टार, 3 स्टार हो गया ब्रो, यस 3 स्टार हमने कर दिया। अब बूढ़े बूढ़े की एबिलिटी पॉपअप कर देते हैं, ताकि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, हम फटाफट से ये 3 स्टार कर दें। और 59 सेकेंड, 58 सेकेंड, 56 सेकेंड, 54, 53, 52 एंड 0, इट्स डन। सो इसके साथ हम वीडियो को इधर ही रैपअप करते हैं, तो इसके साथ ही हम इधर वीडियो को रैपअप कर देते हैं। तो फिर लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम फटाफट से 1K सब्सक्राइबर्स तक चले जाएं। आपको आप अगर हमको आपका प्यार मिलेगा तो फिर ही हम बढ़ सकते हैं, और हमें एक एनकरेज आता है, हम कॉन्फिडेंट एक एनकरेज आता है, ताकि हम ज़्यादा वीडियोस बना सकें। तो फिर इसके साथ ही हम इधर वीडियो को रैपअप करते हैं। सो एज ऑलवेज गाइस, जय हिंद, बाय। But that's alright, hush.